सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के ने 16 अप्रैल के एक कार्यक्रम बिंदास बोल में दावा किया कि सरकारी कंपनी पवन हंस लिमिटेड ने हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव किया और सिर्फ मुसलमानों को ही नौकरी दी। जी हाँ, जिस पवन हंस नाम के एविएशन हेलीकॉप्टर कंपनी की 51% हिस्सेदारी भारत सरकार की अर्थात आपकी और मेरी है, जिसमें ONGC वो भी भारत सरकार की कंपनी है, उसकी 49% हिस्सेदारी है, उस कंपनी ने अपने यहां पर 100% मुसलमानों को आरक्षण दिया है क्या? ये प्रश्न पूछने के लिए आज का बिंदास बोल लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट का कागज हमारे हाथ में लगा है, जामिया मिलिया से लिए गए छात्र 100% वहां चलने वाले कोर्स से ही केवल लिए गए हैं। पूरे हिंदुस्तान में हजारों लोग एविएशन का कोर्स करके लाखों रुपए की फीस भर के जॉबलेस है, बेकार हैं। अकेले कमर्शियल पायलट की संख्या 5,000 से ज्यादा है, जिसके एक कोर्स में 50 लाख से लेकर 75 लाख तक का खर्चा आता है। वो लोग बेकार घूम रहे हैं। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया, क्या जामिया मिलिया इस्लामिया, ये दिल्ली के अंदर जो कैंपस है उसके साथ पवन हंस ने न जाने क्या गुल खिलाए हैं। उसका एग्रीमेंट का कागज भी मेरे हाथ में, लेकिन पवन हंस ने हलिया की गई भर्ती का 100% लोगों को जामिया से लिया गया है। कोई विज्ञापन नहीं, किसी प्रकार की कोई अपील नहीं, मानो कि किसी सेक की कंपनी हो। ये दावा एक वायरल लिस्ट के आधार पर किया गया। इस लिस्ट में 9 इंटर्न्स के नाम दिए गए हैं, ये सभी नाम मुस्लिम हैं। DD न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने ये लिस्ट शेयर की और लिखा कि पवन हंस ने वैकेंसी का कोई विज्ञापन नहीं निकाला, सीधे जामिया से संपर्क किया और जामिया के कोऑर्डिनेटर ने ये लिस्ट भेज दी। सुदर्शन न्यूज के सागर कुमार ने क्रिएटली का बनाया एक ग्राफिक शेयर करते हुए इसे हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश बताया। ऑप इंडिया ने भी इस मामले पर एक आर्टिकल लिखा। ऑप इंडिया ने लिखा कि पवन हंस को वैष्णो देवी मंदिर जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों पर विशेष हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने का काम सौंपा गया है। माओवादी उग्रवादी से निपटने के लिए राज्य सरकारों द्वारा भी इनका उपयोग किया जाता है। साथ ही में ये भी लिखा कि केंद्र सरकार के संगठन के लिए भर्ती के दौरान ऐसा करना दूसरे धर्मों और विश्वविद्यालयों के प्रति स्पष्ट व्यवस्थित भेदभाव की तरह लगता है। तो क्या सचमुच पवन हंस ने हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव किया? पवन हंस की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पवन हंस जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ मिलकर 2.5 साल का फुल टाइम बेसिक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ट्रेनिंग कोर्स कर रहा है। पवन हंस लिमिटेड और जामिया के बीच 27 जुलाई 2017 को ये समझौता किया गया था। इस कोर्स का वार्षिक शुल्क 1,30,000 है। जो लिस्ट वायरल हुई उसमें लिखा है कि ये इंटर्न्स सिलेक्ट किए हुए हैं, जिन्हें 1 साल तक ट्रेनिंग के लिए रखा गया है और हर महीने 15,000 रुपये दिए जाएंगे। हमने इस दावे के बारे में पवन हंस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमें अभी तक उनका कोई जवाब नहीं मिला है। हमने कोर्स में शामिल छात्रों से बात की, कुछ के नाम इस लिस्ट में हैं और कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए। इनमें कुछ हिंदू छात्र भी हैं। अगर बात करें कि मुस्लिम छात्रों की संख्या ज्यादा क्यों है, तो ये इसलिए है क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया में 50% मुस्लिम छात्रों का आरक्षण है। BSc एरोनॉटिक्स मैकेनिकल और BSc एरोनॉटिक्स एवियोनिक्स में 30-30 छात्र शामिल हुए थे। आखिरी सेमेस्टर आते आते 60 छात्रों में सिर्फ 57 छात्र बचे। 57 छात्रों में से 11 छात्र हिंदू हैं, जिसमें BSc एरोनॉटिक्स मैकेनिकल से 5 और BSc एरोनॉटिक्स एवियोनिक्स से 6 छात्र हिंदू हैं। अशोक श्रीवास्तव ने जो लिस्ट शेयर की थी उनमें 9 छात्रों के नाम हैं। ये दोनों कोर्स से मिलाकर आखिरी में सिलेक्ट हुए फाइनल इंटर्न्स हैं। 10 छात्रों को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें एवियोनिक्स से एक छात्र ने अपना नाम वापस ले लिया। एक छात्र ने बताया कि दोनों सेक्शन में से मार्क्स के आधार पर 15-15 करके कुल 30 छात्रों का चयन हुआ था, जिसमें 4 छात्रों ने हायर स्टडी या कुछ और काम की बात कर अपना नाम वापस ले लिया। इन 4 छात्रों में से 2 छात्र हिंदू थे। हमने इन चारों छात्रों से बात की, इन सभी ने सिलेक्शन प्रोसेस में किसी तरह का भेदभाव होने की बात से इनकार किया। एक छात्र शुभ सोलंकी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम बच्चों को ले लिया गया है। अगर आपके पास अच्छे मार्क्स हैं तो आपको लिया जाएगा
उन्हें कॉल आया था लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो कुछ और तैयारी कर रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस सभी सेमेस्टर में प्राप्त CGPA के आधार पर किया गया है। CGPA एक ग्रेडिंग सिस्टम है जिसमें मार्क्स को ग्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। उन्होंने कहा कि 10 में से जिनके CGPA 8.5 होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आए होंगे। दूसरा फैक्टर था DGCA मॉड्यूल। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविएशन एकेडमी 10 मॉड्यूल कंडक्ट करता है। 10 में से जिसके ज्यादा मॉड्यूल क्लियर है उनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। किसी के 2 भी होते हैं और किसी के 6 भी क्लियर होते हैं। उन्होंने सुना था कि मैनेजमेंट में से लड़कियों के लिए 30% का आरक्षण था। वायरल लिस्ट में शामिल 9 छात्रों में से एक मुस्लिम छात्र ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि हमारे कोर्स में 2 ब्रांचेस हैं, एक मैकेनिकल और दूसरा एवियोनिक्स। दोनों में से 30-30 छात्रों के लिए जगह होती है। कुछ बच्चों ने कोर्स के दौरान फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही छोड़ दिया था। जो बचे थे उनमें से मिलाकर 30 बच्चों का चयन हुआ था इंटरव्यू के लिए। ये 30 फाइनल सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पर और DGCA मॉड्यूल के आधार पर चयनित होते हैं। इन 30 में से 4 ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। कुल 26 बच्चों का इंटरव्यू हुआ था, इसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों थे। सुदर्शन न्यूज ने अपने कार्यक्रम में बार बार ये दावा किया कि पवन हंस ने हिंदू बच्चों के साथ भेदभाव किया और सिर्फ मुसलमान छात्रों को ही चुना। हमने देखा कि 57 बच्चों में से 11 हिंदू बच्चे हैं। हमने इन 11 छात्रों से संपर्क करने की कोशिश की और जानना चाहा कि इस मामले पर उनका क्या विचार है। BSc एरोनॉटिक्स मैकेनिकल में 5 हिंदू छात्र हैं और इनमें से 4 छात्र मॉड्यूल के लिए उपस्थित नहीं हुए। 5वें छात्र अंश अग्रवाल, जिनका चयन नहीं हुआ था और जिनके पिता राजीव अग्रवाल ने इस सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाया था, हमने उनसे भी बात की। अंश से हमने पूछा कि क्या उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरे से कम CGPA वाले भी सिलेक्ट हुए, मेरे से कम मॉड्यूल वाले भी सिलेक्ट हुए हैं। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, अब क्या वजह रही ये मुझे पता नहीं। पूछे जाने पर कि आपके सेक्शन में कम मॉड्यूल और CGPA वालों का क्या हुआ, क्या वो लड़कियां थी, उन्होंने कहा कि हाँ वो सभी छात्राएं लड़कियां थी, यानी बाकी 2 लड़कियों को आरक्षण की वजह से लिया गया। वायरल लिस्ट में 5 BSc एरोनॉटिक्स मैकेनिकल से हैं और 4 BSc एरोनॉटिक्स एवियोनिक्स से, यानी 9 छात्र। पहले टोटल संख्या 10 थी लेकिन बाद में एवियोनिक्स से एक छात्रा ने अपना नाम वापस ले लिया था। 10 में से 3 लड़कियों का चयन किया गया। वायरल लिस्ट में ऐसे 2 नाम लड़कियों के हैं जिनका कोई मॉड्यूल क्लियर नहीं होने के बाद भी सिलेक्शन हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 30% लड़कियों को आरक्षण मिला है, बाकी जो 7 छात्र हैं उन सभी के मॉड्यूल बाकियों से अधिक है। ऑल न्यूज के पास मॉड्यूल रिजल्ट की लिस्ट है। हमने चयनित छात्रों के मॉड्यूल भी देखे। हमने BSc एरोनॉटिक्स एवियोनिक्स के 6 हिंदू स्टूडेंट से संपर्क किया। इनमें से 2 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आया था लेकिन इन दोनों ने खुद ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इन्हें हायर स्टडी करना था। एक छात्र ने बताया कि उसके मॉड्यूल कम थे इसलिए उसे इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया। बाकी छात्रों ने कहा कि उनका मॉड्यूल और CGPA सिलेक्टेड छात्रों से कम थे। पवन हंस द्वारा इस साल चयनित टोटल छात्रों की बात करें तो जामिया से 9, मुंबई से 13 और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 5 चयनित हुए हैं। इसके अलावा और कई पोस्ट पर 11 छात्रों का चयन हुआ है। इन 38 छात्रों में से 25 हिंदू हैं और 13 मुस्लिम। इसलिए ये दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है कि पवन हंस लिमिटेड ने सिर्फ मुस्लिम छात्रों का चयन किया है। जो लिस्ट वायरल हुई है वो सिर्फ जामिया की है। इस कोर्स में जो हिंदू बच्चे थे लेकिन कुछ ने खुद हायर स्टडी का हवाला देकर इंटरव्यू नहीं दिया था और कुछ के CGPA और मॉड्यूल बाकी छात्रों से कम थे।